बिहार के दरभंगा जिला से एक खबर आ रही है। बता दें, यहां बिरौल थाना की बात करें, महिला पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की, स्थानीय लोगों ने महिला पुलिसकर्मी को पीटते हुए धक्का मारा है। महिला पुलिसकर्मी जमीन पर गिरी, जमकर हुआ हंगामा। ऑटो चालक और यात्री के बीच किराए को लेकर हो रहा था विवाद। दोनों के विवाद को सुलझाने के बीच उलझ गए यात्री पुलिसकर्मी से। दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार बस स्टैंड पर आज हंगामा शुरू हो गया था। यहां सामने जो दृश्य आप देख सकते हैं, उसी हंगामे का दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। बता दें, स्थानीयों के द्वारा महिला पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया गया। महिला पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की के साथ मारपीट करने लगे। एक महिला पुलिसकर्मी को धक्का से जमीन पर गिर गई थी। थोड़ी देर के लिए जैसे सुपौल बस स्टैंड रन क्षेत्र बन गया था, मुश्किल से वहां मौजूद पुलिस वालों ने मामला को नियंत्रण किया और हंगामा कर रहे एक स्थानीय को पकड़कर पुलिस थाने लेकर गई। दरअसल पूरा मामला के बारे में बताया जा रहा है कि बस स्टैंड में एक टेम्पो चालक के साथ यात्री का भाड़े को लेकर बहस हो रहा था। वहां खड़ी एक महिला पुलिसकर्मी मामले को सुलझाने के लिए गई और बीच बचाव के बीच दोनों को अलग करने लगी। इसी बीच स्थानीयों की बहस बढ़ गया और बात धक्का मुक्की तक पहुंच गया था। लेकिन यात्री का आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी के द्वारा बीच बचाव के बाद टेम्पो चालक की गलती के बावजूद डंडे से हमको मारने लगे, जिससे वहां मौजूद लोगों के साथ बहस होने लगा और हंगामा बढ़ने लगा। पूरे मामले पर पुलिस का बयान नहीं आया है। वहीं महिला पुलिसकर्मी के इस बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। बता दें, यहां पर मोहम्मद सांसा जो यात्री हैं, उनका इंटरव्यू सुनाएंगे। सबाना खातून यात्री की मां हैं, उनका भी इंटरव्यू हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन बड़ी खबर ये है, जो यहां पर महिला पुलिसकर्मी के साथ जो धक्का मुक्की गई, ये काफी निंदनीय घटना है। पुलिसकर्मी हमारे जो सुरक्षा में 24 घंटे लगे रहते हैं, उनका भी सहायता करना, उनका भी ध्यान रखना हमारा ही फर्ज बनता है। आप देखिए, महिला पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की हुई है, महिला के मर रही है, बड़ी खबर आ रही है। क्या मारा लगला कहला से कल के पैसा दे दिया ना, तो तुम लोग पैसा उसको दो दो है सो। कल के हाँ ठीक है, देंगे इतने पैसा। हमारा बेटा बोले 100 रुपया। महिला कल के नहीं, तुमको लगेगा पूरा खा। कल इन लोग तो हमको बात करके आया है 100 रुपया पर, हम कैसे देंगे इतनी बात। यार कोई बात नहीं, ना कोई कसूर ना गुना कुछ नहीं। महिले तो महिले झमेला क्या, कोई कसूर। अच्छा, यहाँ पर पुलिस लग जाए, आइए खुद पकड़ के आने से देखा कि वो लाए करीब आइए बेचारा तो लिया गए ओकरा वह सब भाग दे बिना और मारा मारल के आदमी के झगड़ा लगा सकते। वो टेम्पो वाले से कुछ लफड़ा हुआ था, तो टेम्पो वाले ने मेरे से भाड़ा ज़्यादा मांग रहा था। मैंने उससे कुछ बात किया तो महिला पुलिस वहाँ थी, और भाई हमसे पूछने लगे। तो मैं उसको बताया मैडम ऐसे ऐसे बात है, कुछ देर तक बहस हुआ, उसके बाद महिला पुलिस हम लोग को डंडा चार्ज कर दी। तो फिर उसके बाद हम लोग को मारने के बाद हम लोग जाकर बस में बैठ गए। तो एक सैफी नाम करके भाई है, वो हमको बुलाया कि बोला क्यों मारा है पुलिस वाले। तो हम बोले कि ऐसे ऐसी बात है, वो अपने साथ हमको ले गए। महिला पुलिस से फिर बात की कि क्यों इसको मारे हो, उसी में थोड़ा देर कुछ बात हुआ। फिर उसके बाद महिला पुलिस हमको बाहर ले आई। बाहर लाने के बाद फिर सैफी भाई बात उत करने लगे। फिर उसके बाद जो है वहाँ जनता था, पब्लिक सब था, वो सब एक्शन में आ गया। एक्शन में आने के बाद फिर हाथापाई हो गया दोनों तरफ।